अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूँ माहिन अली और आप देख रहे हैं ब्यूटी 360। तो आज के प्रोग्राम में बहुत ही मज़े की डिस्कशंस होने वाली है, क्योंकि ये डिस्कशन है उन तमाम लड़कियों के लिए जो चाहती हैं कि वो मेकअप करें लेकिन उनको उतनी मेहनत भी ना करनी पड़े और उनका मेकअप और उनको फेस भी अपना अच्छा लगे। तो आज हमने दोबारा से दावत दी है रीमा कामरान को। मेकअप आर्टिस्ट हैं और 12 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं, मुख्तलिफ सैटेलाइट टीवी चैनल्स पे बहुत से एंकर्स हैं जिनको ये तैयार कर चुकी हैं, ऑन स्क्रीन जो एंकर्स हैं जो शोज़ करते हैं इनको वेलकम करेंगे आज दोबारा। रीमा थैंक यू सो मच, आज आपने फिर से हमें टाइम दिया ब्यूटी 360 में, और आप लोग भी देखते रहिए ब्यूटी 360 क्योंकि आज बहुत मज़े की बातें होने वाली हैं। ओके, मेरा सांस भी चढ़ गया है स्टार्ट में ही। ओके, काजी सगीर भी मुझे कह रहे हैं कि आपका सांस चढ़ गया। ओके, तो रीमा आज हम बात करना चाहते हैं नो मेकअप लुक पे, क्योंकि गर्ल्स जो ऑफिसेज जाती हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, क्योंकि आजकल ना लड़कियों को है कि हम कॉलेज में भी जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा ना लिपस्टिक और ये कुछ लगा के जाए, क्योंकि हमारा टाइम ऐसा था कि हमने तो कॉलेज जाके भी मेकअप की होश नहीं थी, उस टाइम इतना फैशन नहीं था। तो अब ऑन स्क्रीन हर किसी ने आना है, किसी ने टिकटॉक पे आना है, किसी ने कुछ करना है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है उनको कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने लगाना है। तो नो मेकअप लुक के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि उनको फेस के लिए फाउंडेशन कैसी यूज़ करनी चाहिए? थैंक यू सो मच महीना, आज आपने मुझे याद करवा दिया स्कूल टाइम के दिन। मतलब हमारे लिए वाकई सीरियसली बड़ी बात होती थी कि हम मुंह धो के फेयर एंड लवली लगा के स्कूल चलेंगे, और अम्मा ने कुछ नहीं कहा। फेयर एंड लवली यूज करती थी सीरियसली, अम्मा ने कुछ नहीं कहा हमें। और आजकल मैं वाकई देखती हूँ छोटी छोटी बच्चे, इवन कि मेरी बेटी अपनी 3 साल की है, उसको आप मेकअप का सारा नॉलेज है उसको, क्योंकि मम्मा आपको ये नहीं पता, मम्मा आपको वो नहीं पता। तो बच्चों का कसूर नहीं है, बस ट्रेंड ऐसा आ गया। हाँ, ट्रेंड ऐसा हो गया ना, सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। नो मेकअप लुक का आप बीबी क्रीम यूज़ करें, आजकल बहुत आ रही है, बहुत सारी कंपनीज की आ रही है, हर किसी ने स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट्स। बीबी क्रीम आ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि आप अफोर्ड कौन सी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके लिए जो फिजिबल कौन सी है, आप अब डेली रूटीन में आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, इवन ये नहीं कि स्टूडेंट्स टीचर्स हैं और बहुत सी ऐसी वर्किंग वूमेन हैं जिन्होंने डेली जाना होता है और वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 3,000 की एक बीबी क्रीम लें और पूरा महीना वो भी, फिर उसके साथ आपको बाकी चीज़ें भी अपनी लिपस्टिक को भी कैरी करना है, मस्कारा भी लेना है। बिल्कुल, तो वो तो 6,000 का तो आपका एक मेकअप किट बन जाएगी, मिनी मेकअप किट आपकी। तो आप देखेंगे आपको जो है रीजनेबल कौन सी है, मतलब नॉर्मल जो बिल्कुल नॉर्मल सी है, फेयर एंड लवली की जो बीबी क्रीम है वो भी अच्छी है, पॉन्ड्स की भी अच्छी है। मैंने अच्छा, फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, 99 रुपीज़ की छोटी वाली मिल जाती है आपको। लेकिन मैंने अब सेकंड टाइम, पहले मैं वही यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने बोनांजा सतरंगी वालों की, उनकी आती है टॉप, आई थिंक टॉप फेस, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन वो बहुत अच्छी है और वो रीज़नेबल है, 760 रुपीज़ की मैंने वो डिस्काउंट पे ख़रीदी थी, तो 890 वैसे उसकी प्राइस है ओरिजिनल, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। बहुत से ब्रांड जैसे वसीम बदामी हैं और जितने भी ये आजकल एक्टर्स वगैरह हैं, इन लोगों ने भी अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर ली हैं, ट्रूली कोमल ने की है, तो उनकी भी बीबी क्रीम्स आ रही हैं। तो फिर लोग वो उस तरफ बेटर जाते हैं जो जहाँ पे लो प्राइस में, लो प्राइस में। मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सी वुमन ऐसी हैं, बल्कि स्टूडेंट्स नहीं, कॉलेज गर्ल्स नहीं, बहुत सी फीमेल हमारी ऐसी हैं जो वर्किंग वुमन हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकती, बट उनको ये है कि उन्होंने अपनी लुक्स, उनकी जो है वो भी मैटर करती है कि हम कैसे जा रहे हैं और हमने अपने आप को कैसे जो है एक अपने बजट में कैसे अपने आप को जो है ना हमने आगे प्रेजेंट करना है। तो आप मार्केट में होंगी, हज़ारों क्रीम्स होंगी, हज़ारों ब्रांड्स हैं, लेकिन हर बंदा उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। आप नॉर्मल सी फेयर एंड लवली की ले लें, पॉन्ड्स की ले लें, मेरे ख्याल में ये दोनों जो है रीजनेबल है। ओके, और मैंने जो है उसके अलावा आप उसके साथ कोई कॉम्पैक्ट पाउडर ले लें, बीबी क्रीम लगाएं, क्योंकि समर्स में तो बहुत ज़रूरी है कॉम्पैक्ट पाउडर। अच्छा। जो है ना, आप स्किन स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है, गर्मी पसीना, आजकल तो खजां का मौसम है, खजां के मौसम में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी हो जाती है, हो जाती है। तो मतलब वो ये कि आप अगर कॉम्पैक्ट, वैसे ये कि आप किसी भी जो है ना बेस फाउंडेशन, उसके बाद हम इसको इसलिए कहते हैं कि आप एक कवरेज देता है, कॉम्पैक्ट जो है फेस पाउडर जो है वो एक कवरेज देता है।
आप उसको यूज़ करें, नॉर्मल सा ब्लशन लगाएं, पिंक लगा लें, बेज लगा लें, ब्लशन लगाएं, लाइट सा लाइनर लगाएं, स्मूथ सा। आप ये नहीं कि अगर आपकी आईज़ जो है आप मोटा लाइनर लगा लेते तो आपको सूट नहीं कर रहा, आपकी आईज़ बड़ी है और आपने पतला लाइनर लगा लिया वो भी सूट नहीं कर रहा आपको। आप पहले अपने कट्स को देखें कि मतलब मुझे लाइनर, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अब लाइक मैं हूँ कि मैं बहुत कम लाइनर यूज़ करती हूँ, बहुत कम। मेरा फेस ऐसे कि मतलब मैं अगर जब लाइनर यूज़ करती हूँ मुझे समटाइम अच्छा भी नहीं लगता। मतलब लाइक ये कि कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कुछ कहीं आपने वकीन ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं आपने भर के लाइनर लगा लिया, भर के मस्कारा लगा लिया, वो आपको सूट नहीं कर रहा। तो आपको सूट चीज करनी चाहिए, बस ये नहीं देखना चाहिए कि फैशन चल रहा है आजकल। आप अपने फेस की स्किन टोन के हिसाब से हर चीज। लेकिन मसला ये भी है कि हम नो मेकअप लुक की बात तो कर रहे हैं, लेकिन नो मेकअप हमारी लड़कियों का नो मेकअप क्या, उन्होंने मस्कारा भी लगाना, उन्होंने लाइनर भी लगाना, उन्होंने लिपस्टिक भी लगानी, उन्होंने हाइलाइटर भी लगाना है। तो ये जी नो मेकअप, वो पहले बीबी क्रीम लगा ले तो उसके बाद फिर बंदा कहता है कि चलो अब मैंने मस्कारा लगाई, यार मस्कारा लगाया तो खाली खाली आंखें लग रही है, लाइनर भी लगा ले और ब्लशर भी लगा ले, गाले बिल्कुल। तो प्रॉपर मेकअप हो गया ना, नो मेकअप लुक तो ना हुआ। तो आप नो मेकअप लुक की हम अगर बात करें तो हम बीबी क्रीम लगाएं उस पर, हम अपना फेस पाउडर लगाएं, जो भी कोई भी मार्केट में मतलब यहाँ हमारे अपने पास है जो हमें सूट करता है हमारी स्किन पे, जो रीजनेबल है आप वो यूज़ करें। उसके बाद आप ब्लशन लगाएं और ग्लॉस लगा लेंगे पिंक कलर की, बेज कोई सा भी सॉफ्ट सा लाइट सा कलर आप अपने लिपस्टिक का लगाएं और अच्छे से बाल ब्रश करें, अच्छे से स्टाइल बनाइए। समटाइम टाइम नहीं होता हमें बहुत स्ट्रेट करने का, बाल ब्लो ड्राई करने का, आप अच्छे से बालों को कॉम करें। और तेल भी बहुत अच्छी लगती है, आप हाई पोनी कर सकते हैं, आप मतलब अपने बालों को अच्छा सा मैनेज कर लें मेकअप के साथ, तो आपकी एक प्रॉपर लुक बन जाएगी। अच्छा। लाइट से इयररिंग्स पहन लें, कुछ हाथ में रिंग पहन लें, आपकी एक प्रॉपर लुक्स लगेगी। अच्छा, जो घर में खवातीन वगैरह होती हैं तो जो जिनकी एज भी बढ़ रही है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमने अब जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है तो आप एजिंग क्रीम्स आती हैं एजिंग के लिए अलग, हाँ एंटी एजिंग आती हैं, तो वो उन चीज़ों की तरफ हमें जाना चाहिए या हम थोड़े से वो हो जाते हैं ना। अब जैसे मेरे भी एज बढ़ रही होती है तो मैं रहती हूँ अब मैं कौन सी क्रीम खरीदूँ, या मैं इस मौसम में तो 30+ होती है 35+ होती है, तो इस तरफ जाना चाहिए, इससे कोई फर्क पड़ता है या ये जस्ट बस नहीं, लोगों नहीं, को इस तरफ करने के लिए? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि हमें जाना चाहिए इन चीज़ों की तरफ। अगर आप मतलब क्रीम्स आप पसंद नहीं करते, मैं ख़ुद पर्सनली पसंद नहीं करती कोई भी क्रीम डे में या नाइट में लगाना, आप घर में होममेड कुछ बना लें, आप ड्राई स्किन वालों के लिए ये जो आजकल वेदर है इसके हिसाब से आप फ्रेश क्रीम वो जो खुला मिल्क है वो लेते हैं, उसका मलाई उतारें उसके ऊपर से मलाई उसकी, और उसके ऊपर आप लेमन का एक कतरा ड्रॉप करें, वो रात को लगा के सोएं, वो आपकी प्रॉपर एक क्रीम है। अच्छा, वो आपकी नाइट क्रीम है, आपको इतनी महंगी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो अभी कुछ दिन पहले लोरियल की देख रही थी 35+ और वो इतनी एक्सपेंसिव थी, तो मैंने कहा मैं कोई लेती हूँ कोई डे नाइट क्रीम इस तरह से, तो ये तो अच्छा है। मेरी माएं तो बिल्कुल भी नहीं जाती इन चीजों की तरफ, मतलब मैंने बताया कि मैं खुद भी पसंद नहीं करती, लेकिन जाना चाहिए। हम कहते हैं वो फलानी बंदी इस तरह, यार देखो अभी भी वो ऐसी फलानी एंकर ऐसे, वो क्यों ऐसे हैं कि वो अपनी स्किन का अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हैं। हमारी माएँ हैं बस सुबह उठ के नाश्ता बना दिया, या हम किसी घर के किसी और ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, बस उन्होंने खा लिया, फिर दोपहर के खाने की तैयारी, फिर रात के खाने की तैयारी, और फिर हम कहें कि हमारी वो एंकर जैसी लुक्स क्यों नहीं है। तो एंकर की लुक्स तो हमारी उस तब तक नहीं बनेंगे जब तक हम खुद को टाइम नहीं देंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं खुद भी फेस करती हूँ जिस चीज़ को, कई दफ़ा मैं देखती हूँ कि हमें हम ड्रामा वगैरह देखते हैं, कोई स्क्रीन पे कोई एक्ट्रेस आई है तो उनकी स्किन ना ये चीक्स बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लो करें, शाइनी करें, और हालांकि कई दफ़े ऐसे होता है नो मेकअप लुक देखते हैं उनकी ड्रामे में, तो लेकिन वो चीक्स कैसे ग्लो करते हैं, क्या वो फाउंडेशन यूज़ ऐसी करती हैं या वो कोई शिमर इस तरह का कोई यूज़ करती हैं आजकल, क्योंकि लिक्विड शिमर्स भी आ रहे हैं, तो वो किस तरह से ये लुक देते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कुछ तो जो है बिल्कुल नो मेकअप लुक है, नो मेकअप कोई मेकअप नहीं है, तो आपने मतलब ये तो आप अंदर की बात पूछ रही हैं। हाँ, अंदर की बात मुझे जाननी है क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ड्रामा देख रही थी,
चैनल पे और वो बड़ी फेमस एक्ट्रेस है, मेरे जेहन में नाम नहीं आ रहा, उनके बिल्कुल नो मेकअप था, ठीक है, और कोई लिपस्टिक कुछ भी नहीं था, और उसकी चीक्स और फेस ऐसे ग्लो कर रहा था मजे का। मैंने कहा कभी मेरा भी ऐसे करे, पता नहीं कौन सी क्रीम यूज करती है। तो वो मुझे राज जानना है आपसे आज। मेकअप लुक जो है ना, आप स्क्रीन पे विदाउट मेकअप इवन के हम सिंपल कैमरा के आगे भी नहीं बैठ सकते। हाँ बिल्कुल, हम बहुत ज्यादा वाइट भी है ना, तो हमारी अजीब सी शक्ल सूरत बनी होगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम विदाउट मेकअप जो है ना स्क्रीन पे चले जाएं। इवन कि आप अपने मोबाइल में सेल्फी ले रहे हैं, आप उसको ब्यूटी और इम्पोर्टेंट बात यह कि जब आपकी एज बॉडी होती है और ये ज्यादा इफेक्ट करती है तब, क्योंकि आप छोटी एज में होते ना तो आपने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, फिर भी थोड़े से प्यारे आ रहे होते हो। अब मैं विदाउट मेकअप ऑन स्क्रीन बहुत अजीब नहीं, तो मैं जब आई थी आपके शो में अभी जब हम मिले आते ही, तो आपने कहा आपने तो मेकअप नहीं किया, तो मैंने कहा फिर ऐसे, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो बस बात वही है कि नो मेकअप तो जो है कभी भी नहीं है, तो एक आप मैंने बताया ना कि ये अंदर का राज है, ये नहीं अंदर का राज आज मैंने अपने ऑडियंस को बताना है ये किस तरह फाउंडेशन में क्या चीज यूज करते हैं। आजकल तो लिक्विड वो आए हुए हैं मार्केट में, इतने ज्यादा है लिक्विड शिमर आए हुए हैं, वो लाइट से आप लगाए उसको। अच्छा, उसको फाउंडेशन के अंदर मर्ज कर, नहीं, नहीं, करना पड़ता है? फाउंडेशन के अंदर मर्ज नहीं करना पड़ेगा, आप फाउंडेशन लगाएं, अपना कॉम्पैक्ट लगाएं और उसके ऊपर जो है आप उसको लगाएं। ओके, आप हल्का सा ड्रॉप लगा के इधर ड्रॉप लगाया और वो उससे आप, ठीक, ये मुझे लेना पड़ेगा अब जाके। ओके, तो ये नो मेकअप लुक हो गया हमारे, हमने ये ग्लोइंग स्किन लगाया। अच्छा, कुछ मैंने अपने कजन्स वगैरह को भी देखा है कि वो विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं, कहते हैं कि हम वो फाउंडेशन में ऐड करते हैं उसके ड्रॉप्स, तो उससे भी हमारे जो स्किन है वो ग्लो करती है। ऐसा है वाकई है। अच्छा। मतलब मैंने आपको बताया कि हम लोग अगर स्किन पे अपनी स्किन की केयर करना शुरू कर देना, हम तीन टाइम मुंह धो के अपनी नॉर्मल घर में जो मॉइस्चराइजर पड़े हम वही लगा लें फेस पे, मतलब हम जो वर्किंग वुमन है वही कर लें, तो आपको स्किन में फर्क नजर आएगा। अच्छा। आपको स्किन पे अपनी पे, और आप विटामिन ई के जो कैप्सूल्स कह रही हैं कि आप अगर फाउंडेशन में मिक्स करके लगाते हैं तो उससे इफेक्ट आता है। अच्छा। अगर वही कैप्सूल आप अपने उस पे उसको डायरेक्ट रात को सोते हुए आप लगा कर सो जाएं, सुबह उठ के अपना फेस वॉश करें, आप रिजल्ट देखिएगा। अच्छा, मतलब आज YouTube पे इतने ज़्यादा वीडियोस मैं अक्सर देखती रहती हूँ, विटामिन ई का जो है उसमें फ्लां क्रीम में मिक्स करें, ढमका क्रीम में मिक्स करें, इस तरह की चीज़ें हैं। बिल्कुल, और ये हो जाएगा, जादू हो जाएगा, ये आजकल घर में हर बंदा ना अपनी अपनी टिप्स बना के वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और YouTube ने भी हमें कन्फ्यूज कर दिया हम कौन सी टिप्स यूज करें, तो इसी वजह से लोग जो है ना उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें क्या ना करें। ये सारी देसी टोटके, ये जो मैं बता रही हूँ बलाई वाले और जो लेमन है, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई इस चीज को कर लो, एलोवेरा काट के लगा लो, आजकल तो वो जेल मिल रही है, एलोवेरा इधर उधर पड़ा होता है तो उसको काट के लगा लें। सही, बिल्कुल, आज बड़ी इंपॉर्टेंट और नो मेकअप लुक के बारे में बड़ी मजे की डिस्कशन हुई हैं, और विटामिन ए के कैप्सूल आप भी यूज करें, मैं भी यूज करूंगी फाउंडेशन के अंदर आप उसको, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप बीबी क्रीम यूज करें जो डेली रूटीन में लड़कियां लगाती हैं, क्योंकि दूसरी फाउंडेशन और स्टिक्स जो हम लगाते हैं वो बहुत हैवी हो जाती हैं, तो वो ऑन स्क्रीन अगर आपने आना है तो वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आपके लिए बीबी क्रीम बहुत बेस्ट रहती है। तो आज के शो में बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की मैडम, थैंक यू सो मच रीमा, आप आज आपने हमें टाइम दिया, और नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तो आज के एपिसोड से माहिन अली को दीजिए इजाजत, देखते रहिए ब्यूटी 360।